नमस्कार आदाब आमी अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल दस्तक शो थेके आपनादेर सादर आमंत्रण जानाछि। मैं इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हूँ। आज और कल का एपिसोड यहाँ पश्चिम बंगाल में घटे रियल लाइफ केसेस पर आधारित है। उफ, तुम भी ना हर बार शादी की बात करके मूड खराब कर देते हो। अरे कितनी बार कहा है लाइफ को एंजॉय करो। अधूरा लगता है, मुझे सेटल जिंदगी चाहिए। कुछ फायदा नहीं इन सब चीजों से। अरे मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, एक बार इन सब चक्करों में फंस गए ना तो समझो धस गए। तुम साथ हो तो मुझे दोनों मंजूर है। लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। अरे एक बार गलती करके तो फंस चुकी हूँ और दोबारा शादी करके मैं फंसना नहीं चाहती हूँ। मतलब तुम अपने पति और बच्चों को छोड़ के मेरी जिंदगी नहीं बनोगी? मैं किसी की नहीं हूँ, मैं हूँ तो सिर्फ खुद की। अरे इतना अच्छा सब कुछ चल रहा हम दोनों के बीच में, लेकिन तुम हो के ना सब कुछ बिगाड़ने पे तुले हुए। नाजायज जिस्मानी रिश्ते भी आखिरकार रिश्ते होते हैं और इनमें भावनाओं का उबाल आना स्वाभाविक है। जब भी कोई नएपन या वासना के कारण अपनी शादी के दायरे के बाहर खुशी खोजता है या फिर किसी और की शादीशुदा जिंदगी का उल्लंघन करता है तो वार्निंग बेल की तरह दस्तक गूंजती है कि आज नहीं तो कल किसी ना किसी का दिल टूटने वाला है। और अक्सर टूटे दिलों में आग लगने में वक्त नहीं लगता, फिर वो चाहे आदमी हो या औरत, दिल जलों का कोई भरोसा नहीं। बैरकपुर नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल। तो 10 भी नहीं बजे हैं, सिर्फ 9:55 हुए, गेट पोस्ट तो बिल्कुल खाली है। सर, अभी भी 10 नहीं बजे, लेकिन वहाँ गेट पर ड्यूटी पे कोई भी नहीं है सर। की बोलचीस? यस सर। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, शेखर गुप्ता का ड्यूटी है वहाँ पे, जाओ जाके देखो वहीं कहीं होगा। हाँ सर, मैं भी जानता हूँ उसे वहीं होना चाहिए था, लेकिन मैंने खुद जाके देखा शेखर नहीं है वहाँ, शायद जल्दी घर चला गया होगा। व्हाट? घर गया होगा? अरे ऐसे कैसे जा सकता है वो अपना घर? अभी तक राइफल और एमिनेशन जमा नहीं किया उसने। समझ में नहीं आ रहा, ये शेखर सेन गुप्ता बिना बताए बिना राइफल लौटाए जा कहां सकता है वो? सर आप वापस कंट्रोल रूम जाइए, मैं जाके उसके क्वार्टर्स में देखता हूँ। ठीक है, वही करो। गार्ड कमांडेंट? वहाँ साहब, शेखर वहाँ क्वार्टर्स में नहीं है, आसपास कहीं भी नहीं है वो। ये साला शेखर मेरा सस्पेंशन करा के ही रहेगा, वो बिना गोलियां लौटाए बिना राइफल लौटाए वो कहाँ जा सकता है? गुहो, क्वार्टर्स बराबर से चेक कर लिया? जी हाँ सर, अंदर बाहर सब देखा, पहले पंकज ने देखा उसके बाद मैंने भी देखा। अच्छा, चेंजिंग रूम में देखा? जी हाँ सर, वहाँ भी देखा, वो कहीं नहीं है सर। उसने हथियार डिपॉजिट किए या नहीं? नहीं सर, इसी बात का सबसे बड़ा डर है सर, उसके पास एक SLR राइफल और साथ में 2 मैगजीन्स हैं सर, और हर एक मैगजीन्स में 25 गोलियां हैं सर। इमीडिएटली सभी लाइंस में इमरजेंसी अलर्ट करवा दो। सर वो तो मैंने पहले से करवा दिया है। ये साला शेखर, ये क्या क्या होगा? चिंता तो इस बात की है कि उसने हथियार जमा नहीं किए, आप इसका मतलब समझ सकते हैं सर? शेखर की ड्यूटी रात 10 बजे खत्म होती है, लेकिन उस रात
शेखर 10 के पहले ही पुलिस लाइन से निकल गया। ड्यूटी राइफल और गोलियां कंट्रोल रूम में लौटाने की बजाय अपने साथ ले आया। मामला गंभीर था, पुलिस रूल्स का घोर उल्लंघन किया गया था। इस मामले को तुरंत पूरे राज्य के थानों में फ्लैश किया जाना बहुत जरूरी था, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। केवल पुलिस लाइन क्वार्टर्स में पूछताछ हुई। अब सवाल यह था कि राइफल और गोलियों के साथ आखिर शेखर सेन गुप्ता कहां गायब हो गया था और क्यों। शेखर, तुम्ही इतनी सुबह सुबह? चलो चलो मेरे साथ। तुम भी ना शेखर। अरे हम लोग एक ही बात के बारे में कितनी बार बहस करेंगे? नहीं करेंगे चारू बहस, अब कोई बहस नहीं करेंगे चारू। चारू मैं फैसला कर चुका हूँ, हम अभी शादी कर रहे हैं, तुम चलो बस मेरे साथ। हाथ छाड़ो अमर, बहुत हो गया शेखर। देखो अब मैं तुम्हें ये आखिरी बार समझा रही हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ और मैं अपने पति और बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। छोड़ने के लिए यहाँ है ही कौन चारू? तुम अकेली हो तभी तो कह रहा हूँ ना, बाद में कर देना ना उसको फोन, कह देना उसको छोड़ दिया तुम्हें। चलो 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 मेरे साथ। पेरिए जाओ खान देखे, चले जाओ अभी। ये क्या कर रहे हो? चलो तुम मेरे साथ चलती हो या नहीं? क्यों कर रहे हो शेखर? ऐसा मत करो। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ शेखर, इनम करो ना। चारू मैं हाथ जोड़ रहा था तुम्हारे कब से, कब से मनाने की कोशिश कर रहा हूँ तुमको मैं, तुम मान रही हो? नहीं, लेकिन आज मेरे हाथ में ये है, इसको नीचे करो शेखर। एक मिनट शेखर, मैं ऐसे कैसे चल सकती हूँ? देखो मुझे मेरे पति से बात करनी है, आराम से बात करनी है तुमको। हाँ तो बात करो ना, तुम लो बात करो, अभी तुम बात करो, करो चलो बात। है लता, आज इतनी जल्दी उठ गई? कि नहीं, मैं भी आ रहा हूँ। हम तात्री अस्सी क्यों बोलो? नहीं किचु ना, कुछ नहीं। हाँ जीजू, इतनी सुबह सुबह कॉल किया, सब ठीक तो है ना? संजीव बच्चे ठीक है ना? ऑटो? हाँ हाँ भालो ऐसे सो रहे हैं, लेकिन बात क्या है? संजीव तुम्हारी दीदी लता बहुत मुश्किल में फंस गई है। लेकिन कैसी मुसीबत जीजू? हाँ है, वो शेखर घर पहुंच गया है और तुम्हारी दीदी के सर पर बंदूक तानी है। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? देखो मैं यहाँ फैक्ट्री से निकल चुका हूँ, मैं घर पहुँच रहा हूँ, तुम जल्दी से घर जाओ, है बुझे छो? और सुनो मेरी बहन कृष्णा को मैंने फोन कर दिया है, वो भी पहुंचने वाली है, ठीक है? हाँ हाँ जीजू, मैं अभी निकलता हूँ और सौमिरन को भी साथ लेके आता हूँ। नहीं उस शेखर के दिमाग में क्या चल रहा है? देखो शेखर अभी जो कुछ तुम कर रहे हो ना बिल्कुल सही नहीं है, और अभी तुम होश में नहीं हो। एक भी गोली खाली नहीं जाएगी, इतने होश में हूं मैं, देखना चाहोगे? दिखाऊं? ना, ना। चलो चलो फिर मेरे साथ चलो तुम। शेखर ना, लता बॉम्बी तुम्हारे साथ कैसे जा सकती है? वो एक शादीशुदा औरत है और दो बच्चों की माँ है। शेखर साहब प्लीज समझने की कोशिश करो। काका छोड़ दो मेरी माँ को। चुप चुप सब।
दिवेंदु, तुमने सबको यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इन सब पर। मुझे एक मिनट शेखर, तुम शांत हो जाओ, मेरी खातिर गुस्सा थूक दो, हम बात करेंगे, ठंडे दिमाग से बात करेंगे। शादी के बाद चलो, हम सब शादी के बाद, शादी से पहले मेरा दिमाग अब ठंडा होने वाला नहीं है। चलो, बहुत टाइम वेस्ट हो गया है। चलो 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 चलो, तुम अभी मेरे साथ चलो। अरे क्या चलो चलो लगा रखी है, जो तुम चाहते हो वो कभी नहीं हो सकता। देखो शेखर, देखो तुम मेरे भाई समान हो। देखो जो भी बात है, बैठते हैं, बातें करते हैं और आराम से हल निकालने की कोशिश करते हैं। कृष्णा तुम चाय बनाओ, चाय। तुम सब मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, मैं अभी यहाँ बात नहीं कर सकता हूँ। देखो हम कहीं बाहर चल के बात करते हैं, मेरे घर चलते हैं शेखर दा। ए, तू भी मत बोल, समझा? चलो तुम और दिव्यांदु तुम, हम तीनों कहीं बाहर जाएंगे और आखिरी फैसला करेंगे। शेखर दा मेरी बात सुनो, दादा और बोधी दोनों की हालत बहुत खराब है, मैं भी साथ चलती हूँ, यकीन मानो मदद होगी। ठीक है चलो, तुमने कहा था ना बात करो। चलो मैं बात कर रहा हूँ। हाँ शेखर, शांत हो जाओ, अभी तुम बहुत टेंशन में हो। चलो तुम टेंशन में नहीं हो क्या? और दिव्यांदु तुम? नहीं, मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब तुम्हें होश आ जाएगा ना, तब सब ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। श्रुति, चारू मुझे भी विश्वास है कि तुम उसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओगी। चारू बताओ तो दिव्यांदु को, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? ये झूठ है। चारू फिर सच क्या है? सच ये कि मैं दिव्यांदु की पत्नी हूँ, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं। ठीक है? सर, ये शेखर सेनगुप्ता जा कहां सकता है, वो भी राइफल के साथ? भाड़ में जाए साला, आने दो साले को। ऐसी खबर लूंगा मैं, इतना बड़ा मेमो बनाऊंगा मैं उसके लिए, सस्पेंशन तो पक्का है साले का। सर, कुछ खबर मिला शेखर सेनगुप्ता का? नो सर। उसके नाम के आगे रिमार्क्स लगा दो, डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी। ओके सर। और जब भी ड्यूटी पे आए उसे लेना मत, सबसे पहले वो मुझसे मिलेगा। ओके सर। साला शेखर गुप्ता गया कहां होगा? शेखर का नाम फ्लैश करो, कांस्टेबल शेखर सेन गुप्ता। सर, राइफल का जो डिस्क्रिप्शन हमें मिला है उसके मुताबिक गन ऑटोमेटिक होगा, मतलब कि 12th बटालियन का होगा। उन्हें सबसे पहले कांटेक्ट करो। सर, शेखर पागल हो गया सर। अभी पालटा स्टेशन से फोन आया, उन्होंने कहा कि शेखर ने तीन लोगों को गोली मार दी सर, और तीनों मर गए।
अरे बकवास मत करो गो। सर काश ये बकवास होती मगर ये खबर पक्की है सर, तीनों की लाशें पुलिस स्टेशन में पड़ी है। दुखा दुखा क्या कर दिया इस आदमी ने। सर सुबह सुबह वो मेरी दीदी के घर आया बहुत जल्दी, तब से उसका दिमाग बिगड़ा हुआ था। तुमने हमें फोन क्यों नहीं किया? पता था उसके पास राइफल है फिर भी हीरो बनने चली दी, पीछा किया उसका। हम सब बहुत ज्यादा डरे हुए थे सर, मैं तो बस ये पता लगाना चाहता था कि वो उन तीनों को कहाँ लेके जा रहा है, और पता लगते ही मेरा पुलिस को फोन करने का प्लान था, लेकिन उसने तो सर सर कांस्टेबल शेखर सेन गुप्ता लत बगान लाइंस में गार्ड ड्यूटी पर था, और ड्यूटी से 20 मिनट पहले ही वहां से उसने एक राइफल और 25-25 राउंड की दो मैगजीन लेकर गायब हो गया। ओह माय गॉड, तो उन्होंने तुरंत सारे पुलिस स्टेशंस को खबर क्यों नहीं की? इसका मतलब है उसके पास 39 गोलियां भी बाकी हैं। बड़ी कैलिबर की गोलियां हैं सर, सिर्फ एक ही गोली काफी है जान लेने के लिए। पता नहीं क्या करने निकला है ये कांस्टेबल शेखर सेन गुप्ता, और क्यों? तो माँ दे ही दिया कमरा किराए पर? हाँ दे दिया। भालो गोरेज खर्चे कितने बढ़ गए हैं देखो, और संजीव का कॉलेज चल ही रहा है अभी, कमाने में वक्त है उसे। किंतु माँ किराए विराए की बात साफ साफ कर ली हो ना उससे? हाँ हाँ, पुलिस वाला है, ट्रेनिंग ले रहा है पुलिस में। ओ ताले तो आरो भालो, घर की सिक्योरिटी भी बनी रहेगी ना। जाओ के चा दिया। हाँ चार बिस्कुट माँ ने भेजे हैं। अच्छा, उनको मेरा थैंक यू कहिएगा। आपको भी थैंक यू। ओ बाबा इतना सारा थैंक यू। सॉरी। अबर सॉरी एक्टा ना सॉरी भी तीन तीन। अब शायद संजीव की दीदी हैं। हैं, चारुलता आमर नाम, यहीं पास में रहती हूँ, मेरे हस्बैंड गन फैक्ट्री में सर्विस करते हैं। ओ हमारे फोर्स में राइफल्स और बुलेट्स जो हैं वो वहीं से आती हैं। ओ छोटी सी दुनिया। हाँ सो तो है, तुम्हार नाम की बताया नहीं। सॉरी शेखर। आबार सॉरी। मैं हमेशा चारू से कहती हूँ दूरे था के पागल थी, लेकिन मेरी बात कभी नहीं सुन। देखो क्या हाल कर दिया मेरी बेटी को। सर शेखर सेनगुप्ता जलांगी मुर्शिदाबाद से बिलोंग करता है। सर जलांगी में कहाँ? सागरपाड़ा एरिया, और वहाँ की टीम को हमने रेड अलर्ट कर दिया है। स्टेट के हर पुलिस स्टेशन में अलर्ट जारी कर दीजिए, इस आदमी की तस्वीर और डिटेल्स हर पुलिस स्टेशन में होनी चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि इसके पास एक राइफल है विद 39 लाइव कार्ट्रिजेस, एंड दिस मैन इज डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। सब हो गया। इनफैक्ट यशबंधु ये कल ही हो जाना चाहिए था। सर हमने पुलिस को अलर्ट कर दिया था, लेकिन दैट वाज नॉट सफिशिएंट। स्टेट के हर पुलिस स्टेशन में खबर पहुंच जानी चाहिए थी। पुलिस रूल बुक के हर नियम को तोड़ा है उसने, अपने राइफल और एमुनेशन वापस नहीं किए। एम आई राइट? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब इस गलती का नतीजा कितना बड़ा होगा ये तो वक्त ही बताएगा। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? दोबारा कह रहा हूं, आपके बेटे शेखर ने तीन लोगों की हत्या कर दी है। शेखर ने? साहब उसका कोई हमारे पास फोन नहीं आया था। देखो
वो जैसे ही तुम्हें फोन करेगा तुम मुझे फोन करो, और जरा भी देर की तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। चलो अमर शेखर। पापा संभालो। क्या कर दिया रे तूने? पापा संभालो, मुझे पता था कि एक ना एक दिन कुछ ऐसा होना ही था। कितनी बार समझाया कि वो शादीशुदा औरत है, उसे भूल जा, कोई दूसरी कर ले, लेकिन उस औरत का जादू उसके दिमाग में कीड़े की तरह घुस गया था। प्रेम बड़ो मधु को भूखा छे को भूषुदु। शर्म नहीं आती? एक शादीशुदा औरत से क्या क्या करवा दिया तुमने? क्या कहूँ, सॉरी या थैंक यू। बदमाश, तुम्हारे लिए ना अब एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी करवानी पड़ेगी तुम्हारी। लड़की तो मैंने देख ली है। अच्छा, श्रुति के गो कौन है? अब जैसी है या नहीं? सुशील, संस्कारी, शेरनी है, सुंदरवन की शेरनी। अच्छा चारू, तो जमाई जी तुमसे बात करना चाहते हैं। हेमा, आशी, माँ जाने दो। फिर कब? जब जब। चारू, तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ ना। चुप, लालची। मैं गाना सुन रही थी, सेलफोन का रिंग नहीं सुनाई दिया ना सोना। हाँ शाम तक लौट आऊंगी। अरे हाँ रे बाबा, दोनों बच्चों को स्कूल से लेते हुए आऊंगी। बस तुम भी ना कैसे बच्चों की तरह नाराज होते हो। चारू, आजकल मैके की बहुत याद आती है तुम्हें, लगभग रोज दिन भर यही रहती हो। कैनो माँ, तुम्हें पसंद नहीं है? पसंद क्यों नहीं, तुम्हारे बाबा जिंदा होते तो बहुत खुश होते। बेटी रोज घर आ रही है, घर खिला खिला सा रहता है। क्या बात है माँ, क्यों हो लो? तुम्हारे पिताजी देख नहीं पाते कि उनकी बेटी शादीशुदा, दो बच्चों की माँ, एक पराए मर्द के साथ घंटों बंद कमरे में रहती। माँ, तुम जो सोच रही हो वो सही नहीं है, गलत सोच रही हो। तुम गलत कह रही हो चारू, मुझसे आंखें चुरा रही हो, लेकिन आईने को क्या जवाब देती हो? अपने घोंसले को मत चला। चारू मैं शादी करने जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, कौन है लड़की? चारू मैं तुमसे शादी करने जा रहा हूँ। इन सब फालतू बातों के लिए ना वक्त नहीं है मेरे पास। फालतू बातें? चारू मैं तुम्हारे जिस्म से प्यार नहीं करता हूँ। चारू मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। हाँ तो ठीक है ना, लेकिन ये सब के बीच में शादी की बात कहाँ से आ गई? अरे तुमको दिखता नहीं है क्या? देखो ना, ये देखो, ये देखो। चारू ये सब पत्थर की लकीरें नहीं है। चारू मैं तुम्हारे पति से बात कर लेता हूँ। चुप करो, तुम मेरे पति से कोई बात नहीं करोगे। तुम नहीं जानते हो, अगर मेरे पति को इस कांड के बारे में पता चल गया ना तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ अरे हो चुका है, शादी की मर्यादा पर थोप दिया तुम दोनों ने, खुद शादी करने चली हो। ना माँ, मैं इसे शादी वादी नहीं करूंगी। वो तो तुम्हारी लाश पर करेगी, और तुम अभी कभी यहाँ से निकल जाओ। माशी, हम ये है तुम्हारा एडवांस, ले लो और कभी मत लौटना, ना इस घर में ना मेरी बेटी की जिंदगी में। नहीं माशी। हाँ छोड़ती, बच्चे हैं इसके, छोड़ दो इस आके। चारू समझाओ तुम, जब सर शेखर का मोबाइल ऑफ आ रहा था, पता चला कि वो अपना मोबाइल क्वार्टर पर छोड़कर गया है। मतलब शेखर की लोकेशन के बारे में हमारे पास अभी तक कोई जानकारी नहीं है। वेस्ट बंगाल के सारे पुलिस स्टेशन पर रेड अलर्ट जारी है,
पर अभी तो कुछ क्लू नहीं मिला। यहाँ क्वार्टर में उसका कोई दोस्त वोस्त था क्या? यस सर, कांस्टेबल सोमेश दास, उसका रूम पार्टनर था। सर, सोमेश, एक साल से तुम रूम शेयर कर रहे हो कांस्टेबल शेखर सेन गुप्ता के साथ? जी सर। इस वक्त कहाँ गया होगा वो? पता नहीं सर, पिछले 4-6 महीने से तो ठीक से बात भी नहीं कर रहा था, पूरा दिन फोन पे लगा रहता था। किसके साथ? सर बातों से तो लगता था कि वो लेडी चारुलता के साथ बातें करता था। सर फोन रिकॉर्ड चेक किया, 90% कॉल्स चारुलता के साथ थे। सर हम सब ने उसे समझाने की कोशिश की कि उस औरत के साथ एफ आई आर आगे ना बढ़ाए। सर वो मैरिड थी, और फिर शेखर के भाई ने भी उसे काफ़ी समझाने की कोशिश की। शेखर तो बिल्कुल लव क्रेजी था सर, एकदम लव क्रेजी। देख वो तुझसे 10 साल बड़ी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। चल एक बार वो विधवा होती या तलाकशुदा होती तो बात समझ में आती थी। तलाक हो भी सकता है, जरूरत पड़ी ना तो विधवा भी हो सकती है वो। एक तमाचा मारूं तुझे, क्या हो गया तुझे? प्यार हो गया दादा मुझे। और हमसे नफरत? मैंने और बाबा ने खून पसीने कमाई करके तुझे पढ़ाया लिखाया है, तुझे पुलिस की नौकरी मिली, अरे हमारी सारी उम्मीदें टिकी हैं तुझ पे, सब बर्बाद कर देगा क्या? दादा आप सबकी तरफ मेरी जो भी ड्यूटी बनती है उसे हर हाल में पूरा करूँगा, कोई बर्बादी नहीं है दादा, शादी कर रहा हूँ मैं। सर मुझे तो कभी कभी लगता था कि वो मेंटल हो चुका है, अपने ही ख्यालों में रहता था, यहाँ तक कि ड्यूटी पर भी। हाँ शायद उसे यकीन हो गया था कि चारुलता के साथ उसकी शादी वादी तो होगी नहीं, इसलिए उसने ये हत्याकांड सोच समझ के प्लान करके किया है। सर हो सकता है, पर जो आदमी किसी औरत से पागलों की तरह प्यार करता हो वो उसे मार कैसे सकता? क्योंकि प्यार भी पागलों वाला ही था, और ऐसे प्यार को नफरत में बदलते देर नहीं लगती, और फिर नफरत भी पागलों वाली हो जाती। एक जवान पुलिस कांस्टेबल के सामने उज्जवल भविष्य था, लेकिन एक अफेयर ने उसे खूनी भगोड़ा बना दिया जो अपनी ही फोर्स से भाग रहा था। पर क्या वो दरअसल अपने आप से भाग रहा था? क्या हासिल हुआ उसे चारुलता, उसके पति देवेंदु और देवेंदु की बहन कृष्णा को मौत के घाट उतारकर? इस घोर अपराध के बाद इस हत्यारे ने अपने हथियार को गायब कर दिया। अब आगे क्या होने जा रहा था, क्या था उसका इरादा, क्या थी उसकी तकदीर? पूरी बंगाल पुलिस फोर्स ये जानने के लिए उतावली थी कि उन्हीं के एक कांस्टेबल ने ये 3-3 हत्याएं क्यों की। शेखपारा लिफ्ट दे सकते हैं मुझे? जी सर, बड़ी। थैंक यू। शेखपारा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर स्थित है। वहां से कुछ ही किलोमीटर दूर इंटरनेशनल बॉर्डर का खारपारा आउटपोस्ट है। शेखर यहां क्या कर रहा था, आखिर इरादा क्या था इस हत्यारे का?
खड़े हो जा वरना गोली दाग दूंगा। किधर जा रहे थे? सब मेरा ससुराल उपार है साहब, घरवाली बहुत बीमार थी तो उसको वहां छोड़ाया था, सब उसका हालचाल पूछने जा रहा था सर वहां। कहां के रहने वाले हो? रनी नगर का साहब। अगली बार पूरे कागजात बनाकर आना और कहर पारा आउटपोस्ट से एंट्री लेना, समझे? जी साहब। सब वो मैं जाऊं साहब, मेरी घरवाली। ठीक है, अब तुम जाओ। जी साहब। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सरहद के दोनों तरफ रहने वाले लोगों के बीच रोटी बेटी का रिश्ता है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर कभी कभी हिंदुस्तान की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बांग्लादेश की बांग्लादेश राइफल्स के जवान आम नागरिकों को एक दूसरे के गांव में आने जाने देते हैं। शेखर इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ था क्योंकि वो खुद जलंगी मुर्शिदाबाद से था जो एक बॉर्डर जिला है। ये जूते कहाँ से है? दुकान से लिए हैं साहब। ये तूने खुद खरीदे? जी साहब। झुक लीजिए। झुक। शेखर बॉर्डर से फरार होने के इरादे से आया था लेकिन उसके जूतों ने उसके इरादों पर पानी फेर दिया। दरअसल जब भी पुलिस कर्मचारी के जूते घिस जाते हैं तो पुराने जूते लौटाए जाते हैं और नए जूते कमीशन होते हैं। फोर्स के जूते कभी भी मार्केट में बेचे नहीं जाते। बीएसएफ के जवान शेखर को आउटपोस्ट के ऑफिस ले गए। जनाब ये पश्चिम बंगाल पुलिस का कर्मचारी मालूम पड़ता है। चल अब नाम बोल और सच बोल। शेखर सेन गुप्ता, कांस्टेबल 12 बटालियन आर्म्ड पुलिस। शेखपाड़ा पुलिस स्टेशन में फोन लगाओ और पूछो सच बोल रहा है या हम सच बोलवाएं इससे। क्या नाम बताया सर? कांस्टेबल शेखर सेन गुप्ता, 12 बटालियन आर्म पुलिस। हाँ सर, ये तो वांटेड है और कल ही 3 लोगों का मर्डर करके फरार हुआ है। जी धन्यवाद जनाब। 24 परगना पुलिस डिवीजन का कांस्टेबल है, कल सुबह ड्यूटी राइफल से 3 लोगों को मार दिया इसने। हवाले करने का इंतजाम करो इसे। जी जनाब। दो छोटे छोटे बच्चों को तुमने अनाथ कर दिया, क्या मिला ये सब करके तुम्हें? मुझे तो बस चारू को मारना था, अब बाकी के बीच में आ गए तो मैं क्या करूं। लेके जाओ इसको। चारुलता नाजायज रिश्ते की आग में अपनी मर्जी से कूदी। चारुलता के पति देवेंदु को अफेयर का आभास था, हल्की सी दस्तक सुनी भी थी। देवेंदु की बहन कृष्णा तो केवल अपनी, चारुलता के बच्चे सिर्फ इतना जानते थे कि उन्हें मम्मी पापा से बहुत प्यार है और अब वो उन्हें कभी नहीं देख पाएंगे। चारुलता की मां ने जुर्म की दस्तक सुनी थी और अपनी मजबूर आह बुलंद भी की थी, पर अफसोस तब तक पानी सर के ऊपर निकल चुका था। एक सनकी आदमी के एक औरत के लिए पागल जुनून ने कितनी सारी जिंदगियां बर्बाद की। वेस्ट बंगाल थे के अपना देश सबाई के सादर अभिनंदन जाना चाहिए। कितना टाइम वेस्ट होता है यार, इन सब चीज़ों से कोई फायदा हुआ है क्या? आज तक किसी बम रखने वाले को पकड़ा इन्होंने? फालतू में हम जैसे सीधे लोगों को परेशान करते हैं। देखो जो होना है वो तो होता ही है ना, जबरदस्ती का दिखावा है ये सब। सॉरी सर, ये सोच गलत है। अगर हम चेकिंग ना करें और कुछ हो जाए तो आप क्या कहिएगा? यही ना कि हमने चेकिंग नहीं करी और बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। आप तो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, हम आप जनता हैं, कॉमन सेंस की बात है, बम रखने वाला कभी इधर से जाएगा क्या? कभी नहीं, लेकिन ऐसी चेकिंग बॉम्बर को मुश्किल में डाल देगी, उसके रास्ते बंद कर देगी और उसके पकड़े जाने का खतरा बढ़ा देगी। और ये भी कॉमन सेंस की बात है कि आतंकवादी जितना खतरे में उतने आप सेफ। एक बॉम्ब ब्लास्ट और हम सब सुरक्षा व्यवस्था का चीरहरण करने लगते हैं। ये एक भयानक पैटर्न बन गया है। आतंकवाद ने हमें इस कदर भयभीत कर दिया है कि मानो हमारी शक्ति, हमारी बुद्धि, हमारी समझ सबको लकवा मार गया हो। और ये चल नहीं सकता क्योंकि इंसान या तो डर सकता है या जी सकता है, और डर के जीने का तो सवाल ही नहीं उठता।
अप्रैल 2011, मालदा, वेस्ट बंगाल। शुन्नो जेठा ग्रह होरे प्राची। ठीक है, तो आज के हमरा रवींद्रनाथ ठाकुर एक कवितार चर्चा करब। हाँ, चित्त जेठा भय शून्य, उच्च जेठा शी, ज्ञान जेठा शून्य जेठा, ग्रह रे प्राचीर। तो वीकेंड पर जगन्नाथपुर माँ बाबा के पास? अरे ना बाबा, मैं अकेले ही कमरे में बैठ के कोई किताब पढ़ लूंगी। जगन्नाथपुर जाती हो ना तो माँ बाबा का लूप शुरू हो जाता है। अब तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढना हो, तुम्हारी शादी करनी ओनू, अभी करनी ओनू, शादी ओनू, उफ बाबा रे। तो कर लो ना शादी, इतनी बुरी बात भी तो नहीं है। खुद के लिए एक लाइफ पार्टनर ढूंढ लो, एक नया लाइफ पार्टनर। मैं अपने आप को वक्त देना चाहती हूँ। ओनू, अपने आप को वक्त देने का भी एक वक्त होता है, उसके बाद समझौता करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। ओनू, कुछ लोग होते हैं जो हमारे लिए नहीं बने होते हैं, जैसे कि अमित। अमित तुम्हारे लिए बना ही नहीं था, जस्ट एक्सेप्ट इट। वाणी, क्यों करते हैं लोग समझौता? यादें, उन पुरानी यादों का क्या? पुरानी यादें मिटाने के लिए नई यादें बनानी पड़ती हैं। नो चॉइस। ट्राई करूंगी, एक लास्ट बार ट्राई करूंगी। साउंड्स गुड। चल। সেই রাতে রাত ছিল পূর্ণিমা, রং ছিল ফাল্গুনি হাওয়াতে। সেই রাতে রাত ছিল পূর্ণিমা। আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও গো বিদেশিনী, আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও গো বিদেশিনী। তুমি থাকো সিন্ধু পারে, তুমি থাকো সিন্ধু পারে, ও গো বিদেশিনী। গুড মর্নিং। ও গো বিদেশিনী। ক্যা বাত হ্যায়, আজ চায় কে সাথ বিস্কিট কি জগহ রোমান্স? কাম পর নি জানা হ্যায় ক্যা? ইরাদা ক্যা হ্যায়? इरादा तो काम का ही है, लेकिन संस्कृत वाला। तुम भी ना। है शेखर, बोलो। अनुदी, आज मैं नहीं आऊंगा, मुझे ना कुछ असाइनमेंट्स पूरे करने हैं, उसके बाद ही मैं घर से निकलूंगा। ठीक है, लेकिन रात के खाने पर तो रहोगे ना? दीदी, मैं श्योर नहीं बोल सकता, मैं आपको फोन करूंगा, शाम को फोन करूंगा आपको। यस या नो? शेखर, ठीक है। अनु, शनिवार रविवार को क्या स्पेशल क्लास है तेरा? नहीं तो माँ, घर पर ही हूँ। तू घर पे नहीं, किराए के मकान में है। घर ये है तेरा, जहाँ हम पूरा हफ्ता इंतजार करते हैं तेरे आने का। माँ प्लीज, हाई ड्रामा क्रिएट मत करो, मुझे ढेर सारे पेपर्स करेक्ट करने थे इसलिए नहीं आ पाई। नेक्स्ट वीक आऊंगी पक्का। पर वो तो तू यहाँ भी कर सकती थी बेटा। कहा ना, आजबो नेक्स्ट वीक, पक्का आजबो। बाबा तुझे बहुत याद करते हैं बेटा। मैं भी माँ बहुत याद करती हूँ सबको। ओ हाँ, यही तो है। आप है अनुपमा सरकार? मेरे फेस पर लिखा है अनुपमा सरकार? नहीं, मुझे लगा। गलत लगा, ऊपर रहती है। ऊपर कैसे जाते हैं? नॉर्मली हम इन्हीं सीढ़ियों से चल के जाते हैं। लीजिए। थैंक यू। अनुपमा सरकार? हाँ। ये आपका पार्सल है, यहाँ पे साइन कर दीजिए। थैंक यू। अगर तुम्हारा कोई भी सामान रह गया हो तो मैं कुरियर कर दूंगा, मैं तुम्हारी कोई भी चीज़ अपने पास नहीं रखूंगा।
लेकिन तुम मेरे हर चीज में मुझ में हमेशा रहोगे अमित। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पापा! ओ! अरे पापा जी! पापा जी ये क्या हो गया? कितने बजे थे? 10:30 बजे थे सर। वो कुरियर वाला 10:15 को यहाँ से गया था। मतलब कुरियर वाले जाने के 15 मिनट बाद आप लोगों ने ब्लास्ट सुना? जी सर। जी हाँ। सर पिछले 6 महीने से अनुपमा हमारे यहाँ किरायेदार थी। अकेली रहती थी? जी कभी कभी इसका छोटा भाई शेखर आ जाता था रहने के लिए। की काज कर? माधवरी गर्ल्स स्कूल में टीचर थी। भाई के अलावा और कोई नहीं था? ना ना, फुल फैमिली, माँ बाबा भाई वो सब जगन्नाथपुर में रहते हैं। ये आईईडी है, इम्प्रूव्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। सर ये आईईडी का इस्तेमाल तो माओवादी आतंकवादी करते हैं। मालदा के इंग्लिश बाजार इलाके के पास मालन चपली में अनुपमा के घर एक पार्सल कुरियर हुआ और उसके अंदर के बॉम्ब ने अनुपमा की जिंदगी उड़ा दी। इस किस्म का एक्सप्लोसिव पश्चिम बंगाल के नक्सलवादी ग्रुप इस्तेमाल करते हैं। अब कई सवाल उठ रहे थे, क्या अनुपमा नक्सलियों का शिकार बनी थी? और अगर हाँ तो क्यों? और हाथ पैरों में उनकी चोटें आई हैं। अगर उस वक्त उस रूम में और कोई भी होता तो शायद वो भी मर जाता। पर उस वक्त कमरे में लड़की के अलावा कोई नहीं था और एक लड़की को मारने के लिए पूरा बम। अजीब, या तो एड्रेस गलत था या तो बम गलत था। किसी तो भूल छिलो डॉक्टर, कुछ तो गलत था। किसी तो भूल छिलो डॉक्टर, कुछ तो गलत था। कंफर्म आईडी है। वायरिंग ऐसी की गई थी कि बुक खोलते ही ट्रिगर दब जाता और एक बहुत बड़ा धमाका। पार्सल अनुपमा के नाम का था, मतलब उसके घर पे बॉम्ब भेजा था उसकी जान लेने के लिए। लगता तो ऐसे ही है। अच्छा ये जो आईईडी इस्तेमाल किया था वो प्रोफेशनल किस्म का था या घर पर बनाया हुआ था? प्रोफेशनल, वेरी प्रोफेशनल। ये रही हमारी नक्सलियों की फाइल। लास्ट 6 मंथ में जहाँ जहाँ नक्सलियों ने और माओवादियों ने ये आईडी इस्तेमाल किए हैं वो बिल्कुल इस आईडी से मिलते जुलते हैं। मतलब इसमें नक्सल वाला एंगल भी हो सकता है? ज़रूर हो सकता है। और ये कुरियर कंपनी, इसके बारे में कुछ पता चला? सॉरी, ब्लास्ट में कुरियर कंपनी का एड्रेस वाला रिसीप्ट बुरी तरह से डैमेज हो गया था। जोड़ने की कोशिश की गई पर पेपर जला हुआ था। ठीक है, उस कुरियर बॉय का स्केच निकालो, कुछ चलकर सामने आया तो ठीक है, तो ढूंढ निकालो उस सारे को। मेरी बेटी एक सीधी सादी स्कूल टीचर थी। धमाके में जो बम इस्तेमाल हुआ है वो किसी भी एंगल से सीधा साधा नहीं था मिस्टर सरकार। सर अनुपमा दी पर आप डाउट कर ही नहीं सकते, वो बहुत ही क्लीन लेडी थी। 6 महीने से रहती थी यहाँ, कौन कौन आता था मिलने? एक दो बार उसके माँ बाबा आए थे, उसे देखकर चले गए। सर जैसे कि मैंने आपको बताया था, अनुपमा दी का छोटा भाई शेखर यहाँ पे आता जाता था। वो यहाँ ही पढ़ता है तो यहाँ और अपने घर के बीच अप डाउन करता है। कोई और? अब अनुपमा सरकार यहीं रहती है क्या? जी ऊपर के कमरे में। धन्यवाद।
सर, अनुपमा दी के माँ बाबा और भाई के अलावा मैंने उस आदमी को 2-4 बार देखा है। आखिरी बार उस आदमी को कब देखा था? यही कहीं 6-8 हफ्ते पहले। कौन था वो? नो आइडिया सर, मैंने ना उसे पूछा ना अनुपमा दी से। कैसा दिखता था? सर मीडियम बिल्ड था, थोड़ा सा गोरा था। ये अमित सेन गुप्ता कौन है? नहीं पता, कभी सुना नहीं उसके बारे में। पर सर वो कुरियर वाला जो पार्सल देने आया था, उस पार्सल पे अमित सेन गुप्ता का नाम लिखा था। ये लड़का जो पार्सल देने आया था कुरियर वाला, उसका हुलिया चाहिए हमें। अमित सेन गुप्ता मेरी बेटी का एक्स हस्बैंड, डिवोर्स हो गया था उनका, गजोल में रहता है। एनवलप पे भी यही लिखा है, अमित सेन गुप्ता गजोल। जी अमित का नक्सलवादियों के साथ कोई कनेक्शन है? हमें नहीं पता। 5 साल पहले शादी हुई थी दोनों की, डिवोर्स 2 साल पहले हो गया था। 2 साल पहले जब वो शादीशुदा थे तब उसका नक्सलवादियों के साथ कोई रिश्ता था? हमें कुछ नहीं पता इंस्पेक्टर। तो आपको क्या पता है मिस्टर सरकार? बस इतना कि वो आदमी हमारी ओनू के लिए ठीक नहीं था। सर, वो ओनू दी से नफरत करता था। इतनी नफरत कि उसने उसे इस तरह से मार डाला? हाँ सर, क्योंकि ओनू दी ने उसे छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था उसे? मैं और रीना कॉलेज में एक साथ थे। एक साथ थे? हमारी शादी के पहले बताया क्यों नहीं तुमने मुझे? क्योंकि तब मुझे भी नहीं पता था कि रीना के लिए मेरी फीलिंग्स क्या है। इसका मतलब मुझसे शादी करने के बाद तुम्हारे उस रीना के लिए फीलिंग्स जाग उठी? मेरे पीठ पीछे नाजायज अफेयर शुरू हो गया? तुम्हें कोई आइडिया नहीं है तुम कितनी घटिया हरकत कर रहे हो? शादी से पहले पता होता तो कभी बेटी नहीं देते उसे। साला पकड़े जाने के बाद भी मेरी दीदी से बोला मैं रीना को बुला नहीं सकता, नहीं छोड़ सकता उसे। इतना बेशरम इंसान है ये अमित सेन गुप्ता। मेरी बेटी ने उसे बहुत टाइम दिया, 2 साल भुगता उसने और फिर हताश होकर डिवोर्स मांगा उससे। सर सच बात तो ये है, वो डिवोर्स देना ही नहीं चाहता था। सोने की मुर्गी जो थी मेरी अनुदी, बेचारी कमा कमा कर पैसे इसके हाथ में देती और वो सारा पैसा उस रखी हुई औरत पर खर्च करता। डिवोर्स मांगा तो हाथ उठाया, हमने अपनी बच्ची को कभी डांटा भी नहीं, उसने पीटा मेरी बच्ची को। हमने पुलिस कंप्लेन भी की थी हबीबपुर पुलिस स्टेशन में, मेरे पास एनसी की कॉपी भी है। तो उसने हमें धमकी भी दी थी एक न एक दिन वो मेरी बेटी से बदला लेगा, और उसने बदला ले लिया। अनुपमा के साथ मेरी अच्छी जमती थी। कैसी थी वो? काफी डिस्टर्ब्ड। अमित के धोखे का शौक वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इनफैक्ट डिवोर्स के बाद भी वो अमित से उतना ही प्यार करती थी। उसके किराए के मकान पे उससे मिलने एक आदमी आता। कौन आता था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन आता था। डिवोर्स के बाद कोई अफेयर ना? पक्का? पक्का तो बोलते पर अमित नहीं कह सकती, पर अफेयर होना मुश्किल है ऑफिसर, बहुत मुश्किल है। मतलब उसने कभी जिक्र नहीं किया उस आदमी के बारे में जो उससे घर पे मिलने आता था? नो ऑफिसर। सर मुझे नहीं लगता कि मर्डर और ब्लास्ट में कोई नक्सल का एंगल है। मुझे भी यही लगता है, ये बदले वाला मामला होगा। बदला? तलाक के 2 साल बाद, और वो भी इतने खतरनाक और भयानक तरीके से। बैनर्जी, बदले की आग लंबी सुलगती है, हम लोगों ने तो कई बार देखा है। अच्छा इस कुरियर वाले का क्या हुआ? इंग्लिश बाजार कस्बे में तकरीबन 27 कुरियर कंपनियाँ हैं, मैंने अपने खबरी नेटवर्क को एक्टिवेट कर दिया है, जल्दी ये लड़का पकड़ा जाएगा। वो अमित सेन गुप्ता, उसका गांव गजोल, वहाँ से क्या खबर है? सर वहाँ तकरीबन 30 कुरियर कंपनियाँ और कई तो फ्रेंचाइजी हैं। एक बार ये लड़का पकड़ा गया, ये खुद हमें उस कुरियर कंपनी तक ले जाएगा जहाँ से वो पार्सल आया था। मैंने जी गजोल जाने की तैयारी करो, हमारा मुख्य आरोपी अमित सेन गुप्ता ही है और अब तक तो वही है। जी मैंने सुना अनुपमा की मौत के बारे में। ये आप ही ने भेजा था? देखिए ये क्या कह रहे हैं आप? पिछले हफ्ते रीना नाम की लड़की से मेरी सगाई हुई है और मैं अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर रहा हूँ। रीना का और तुम्हारा तो शादी के पहले से ही शुरू था ना, तो ये नए सिरे से जिंदगी शुरू करने की बात कहाँ से आती है? पिछले 2 साल से मेरा अनुपमा से कोई कॉन्टेक्ट नहीं रहा है और फिर मैं उस चैप्टर को ही नहीं बल्कि पूरी किताब को बंद कर चुका हूँ। बम किताब में, किताब लिफाफे में और लिफाफे पर तुम्हारा नाम, क्या तरीका है किताब बंद करने का? बेच दो,
वाह, तुम मेरी बेटी को धोखा दे रहे हो अमित, और उम्मीद करते हो कि हम तुम्हारा साथ दें, चुप बैठे रहे? किसी चीज की कमी नहीं है आपकी बेटी को, और फिर मैं अनु को छोड़ के किसी और के साथ तो रह नहीं रहा हूं। पत्नी का दर्जा है उसका। बड़ी मेहरबानी है तुम्हारी, राइट? चलो तुम्हारे भी पति का स्टेटस बना रहेगा, और मैं जाके करती हूँ कोई अफेयर वफेयर, पहले पीठ पीछे फिर आमने सामने, हाँ जल के राख हो जाओगे। अनु! ज्यादा हीरोगिरी मत कीजिए, अनुदी छोड़ चुकी हैं आपको, सिर्फ डाइवोर्स बाकी है, चुपचाप दे दीजिए, नहीं तो पुलिस केस हो जाएगा। बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी, बहुत पछताओगे तुम। जो टॉर्चर आपको आते हैं सब आजमा लीजिए, मगर सच नहीं बदलेगा, और सच यह है कि मैंने अनुपमा को पार्सल नहीं भेजा है। हो सकता है किसी और ने तुम्हारे नाम से पार्सल भेजा हो। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, और आप उसके चाल में फंसते जा रहे हैं। ये एड्रेस इतना साफ साफ लिखना कातिल की बेवकूफी होगी। सर, अमित की चालाकी भी हो सकती है, उसने सोचा होगा खुद का नाम लिखेगा तो कोई शक नहीं करेगा, क्योंकि कातिल अपना नाम और पता तो नहीं लिखता। अमित बहुत चालाक है। या कोई उससे भी चालाक है बैनर्जी, मतलब कोई ऐसा शख्स जो अनुपमा और अमित की हिस्ट्री को जानता है, जिसका उसने फायदा उठाया। करेक्ट, जो अनुपमा से बहुत नफरत करता था और जानता था कि उंगली अमित पर ही उठेगी। आपने उसे बीच बाजार में थप्पड़ मारा था, शायद उसका गुस्सा होगा उसको। मुझे लगता है हमें ये बात भी पुलिस को बता देनी चाहिए थी। पता नहीं बेटा, पता नहीं। जाहिर है जो दिख रहा था वैसा था नहीं, कुछ छुपाया जा रहा था, कुछ ऐसा जिसकी जानकारी पुलिस के पास होनी चाहिए थी। आखिरकार इस केस में एक ब्रेक थ्रू मिला जब कुरियर कंपनी का लड़का पुलिस के हाथ लगा। हर न्यूज़पेपर, कुरियर कंपनी, टीवी चैनल में तेरे लिए संदेशा भेजा था कि आके हमसे मिल, पर तू आया ही नहीं मिलने। सर, मैं बहुत डरा हुआ था, मुझे उस पार्सल के बारे में कुछ नहीं पता था। सर, मुझे उस पार्सल के बारे में कुछ पता नहीं था तो डर क्यों गया था तू? सुबह 10:15 बजे तूने पार्सल डिलीवरी किया था, वैसे रोज तू 11 के पहले डिलीवरी करता नहीं है। सर, मुझे मैसेज आया था गजल ऑफिस से, अर्जेंट है। सबसे पहले गजल ब्रांच की खबर लेते, लौट कर लॉकअप ने इसकी चमड़ी उधेड़ ली। सर, यहाँ से सैकड़ों पार्सल रोज जाते हैं, अब ऐसे में किसी एक पार्सल को पहचानना नामुमकिन है। सर, उस पार्सल में बम था मैनेजर साहब, ऐसा बम जो कुरियर इंडस्ट्री की धजिया उड़ा सकता है। बम डिलीवर हुआ है आपके ऑफिस से, कोई आचार की बोतल नहीं। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? 16 अप्रैल को पार्सल डिलीवर हुआ था, मुझे उस दिन के सारे बुकिंग और डिलीवरी के रिपोर्ट्स चाहिए अभी। मैं लेके आता हूँ। सोलह तारीख को डिलीवर होने के लिए बुकिंग कब की गई? सर, 13 को या फिर 14 को, बस यही 2 दिन। क्यों? सर, डिलीवरी के लिए हम नॉर्मली 3 दिन लेते हैं, पर अगर अर्जेंट हो तो 2 दिन में डिलीवर कर देते हैं, पर उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। आपके ऑफिस से इंग्लिश टाउन बाजार के ऑफिस को फोन किया गया था और बताया गया था कि ये पार्सल अर्जेंट डिलीवर करना है। जी सर, ये रही डिटेल। ये नंबर ट्राई करो, जरूर बंद रहेगा। करेक्ट सर, डीएक्टिवेटेड है। अमूल चटर्जी, इसी ने बुकिंग ली थी ना? जी सर। बुलाइए उसे। जो पार्सल अनुपमा सरकार के घर पे ब्लास्ट हुआ, उसके बुकिंग एजेंट आप ही थे? जी, मैंने की थी बुकिंग, और मैंने अखबार में पढ़ा था ब्लास्ट के बारे में। तो अखबार में पढ़ने के बाद मौन व्रत धारण कर लिया था, पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा? जी, मैंने बताया था इनको। सर, अमोल ने बताया था, लेकिन हम नहीं चाह रहे थे कि हम किसी लफड़े में फंस जाए। पुलिस लफड़ा है? फिर हम लोगों को क्यों गाली देते हो जब बीच बाजार में ब्लास्ट हो जाता है? मैं भला, मेरा घर भला सोचने से एक दिन एक ही घर बचा रहेगा उनकी रडार पर, और वो आपका होगा। बम, सब कुछ खत्म। चुप रहकर आप लोग आतंकवादियों को बढ़ावा देते हो, और बढ़ावा देना उनका साथ देने जैसा ही है, समझे? मैं बताता हूँ, वो 2 लोग आए थे पार्सल लेकर।
कौन थे वो दो लोग? साहब मैंने उनका नाम तो नहीं पूछा। एक गोरा आदमी था मीडियम हेल्थ वाला, और जो दूसरा आदमी था वो उसकी हाइट इतनी थी, कुछ अजीब सी शक्ल थी उसकी, यहाँ के बाल जो थे वो यहाँ तक थे। दादा ये कुरियर मौलन चपल्ली का पहुँचेगा। अगर मौसम ठीक रहा तो 3 दिन में पहुँच जाएगा पार्सल। उससे पहले नहीं पहुँच सकता क्या दादा? हम कोशिश करेगा। दादा थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज ले लो और जल्दी पहुँचा दो। 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा तो 2 दिनों पहुँच जाएगा पार्सल। दादा 200 रुपये देता हूँ, कल तक पहुँचा दो। 1000 दोगे तो भी 2 दिन में ही पहुँचेगा, हमारा एक्सप्रेस डिलीवरी 2 दिन का ही है। भालो भालो एक्सप्रेस डिलीवरी से भेज दो उसको, लेकिन थोड़ा जल्दी। साहब उन्होंने मेरे से मेरा नंबर भी लिया था और कम से कम 1 दर्जन बार कॉल किया और यही पूछते रहे पार्सल गया क्या, पार्सल गया क्या। बैनर्जी इन अमोल साहब के कॉल डिटेल्स चेक करो और उनके कॉल्स को ट्रैक करना। सर ये जो 2 आदमियों के बारे में बता रहे हैं उनमें से एक गोरा चट्टा मीडियम हेल्थ वाला आदमी, वैसे किसी आदमी के बारे में अनुपमा के मकान मालिक की बेटी ने भी बताया था। ये आदमी अनुपमा को जानता था और कोई ना कोई होगा जो इसे जानता हो। सर जिस सिम से इसने फोन किया था उसी सिम से उसे धर लेंगे हम। फाइनली इस केस की कड़ियां जुड़ने लगी। अब पुलिस उस शख्स को ढूंढ रही थी जिसने वो पार्सल भेजा था। आखिरकार कौन था ये आदमी? क्या अनुपमा के घर वाले उसे जानते थे? वो पुलिस से क्या छुपा रहे थे? ठीक ठाक कद है, गोरा चिट्टा लड़का है, मौलन चौपाली में अनुपमा से मिलने आता था। वहां कोई नहीं जानता कि वो कौन था, क्यों जानतो ना, किसी को भी नहीं पता। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि अनुपमा ने आपको उसके बारे में कुछ बताया ना हो। बाय। हेलो। हेलो। यहाँ के लोकल लाइब्रेरी में मैं मिली उससे। कब की बात है? एक दिन जब मेरा सेल गायब हो गया था तो दूसरे दिन मैं लाइब्रेरी में थी। लगता है आप अपना सेलफोन भूल गई थी। थैंक यू, मैं इतनी परेशान हो गई थी, मेरे सारे नंबर स्टोर है इसमें, इसीलिए तो संभाल के रखा था ताकि जब आप वापस आए तो मैं आपको लौटा दूं। थैंक यू वेरी मच। अब वैसे आपका नंबर है मेरे पास, तो अगर अब से आपको कोई भी ब्लैंक कॉल दे तो आप समझ जाइएगा कि वो बदमाश कौन है। आप मुझे ब्लैंक कॉल्स क्यों देने लगे? मेरा नाम बाबू और मेरे बाबूजी कहते हैं कि दोस्त और किताबें दोनों कम हो तो परवाह नहीं, लेकिन अच्छे होने चाहिए। सही कहते हैं आपके बाबूजी। वैसे मेरे बहुत कम अच्छे दोस्त हैं, एक्चुअली है ही नहीं, और मैंने किताबें भी आज तक कभी भी पूरी नहीं पढ़ी। ऐसा क्यों? इंतज़ार कर रहा था एक ऐसे खूबसूरत इंसान का जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन सके, और एक गहरी किताब भी। क्या आप मेरी फ्रेंड बनेंगी? दो फिल्मी डायलॉग्स क्या मारे, उससे प्यार हो गया आपको? उसके बारे में जानती भी हैं आप? टीवी इंजीनियर है। वो क्या होता है? टीवी इंजीनियर क्या करते हैं? खूब भालो क्वेश्चन। टीवी इंजीनियर बिरयानी बनाते हैं, खूब भालो, खूब टेस्टी। मजाक मत करो, बोलो तो। ओनू सीधी सी बात है, टीवी इंजीनियर टीवी रिपेयर करते हैं, अगर टीवी बीमार पड़ जाए तो हम उसका इलाज करते हैं। ये तुम हमको टीवी का डॉक्टर भी बुला सकती हो। वेरी फनी। वहाँ लाइब्रेरी में क्या कर रहे थे? अरे बाबा वहाँ पे टीवी का इलाज कर रहा था, और देखो मेरी तन्हाई का भी इलाज हो गया। ओनू अग्नि को साक्षी मान के क्या तुम मेरे साथ 7 फेरे लोगी? मैं उस आग में एक बार पूरी तरह जल चुकी हूँ बाबा। उन्हें एक बात बताओ, अगर हमारी 5 उंगलियां एक जैसी होती तो क्या हम एक बड़े से अजीब से गोरिल्ला जैसा नहीं दिखते? देखा, यूं ही हंसती रहो, खिलखिलाती रहो हमेशा, मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखूंगा। जानती हूँ। एक बात नहीं जानती हो तुम? क्या? एक ऐसा वक्त आएगा जब हम बूढ़े हो जाएंगे, चल नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी हमारी वो टीवी चलती रहेगी, पक्का चलेगी। बेटे इस लड़के के बारे में तुम सब कुछ अच्छी तरह से जानती हो ना? जितना सच मुझे बताया उतना तो मैं जानती हूँ बाबा, और मुझे लगता है कि मैं प्यार करती हूँ उससे, और वो भी करता है।
अमित के बारे में कुछ भी ज्यादा जाने बिना तुम्हारी शादी करा दी, और देखो कितना सहना पड़ा तुम्हें, हमें, हम सबको। किसी के बारे में तो सब कुछ जानना इम्पॉसिबल है माँ, हम तो खुद ही हमारे बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं। अनुदी, ये सब किताबी बातें सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती हैं। इस बाबू के बारे में आपको 100% श्योर होना पड़ेगा। ये जो बाबू है ना, एक छोटी सी टीवी रिपेयर दुकान में काम करता है। उसमें क्या बुराई है? बुराई है, ये बाबू इससे पहले 6-7 टीवी रिपेयर दुकानों से निकाला जा चुका है। मालूम है क्यों? झूठ बोलता है इसलिए, तभी तो। खुद हाई स्कूल फेल है और अपने आप को इंजीनियर बताता है। और दीदी, आप भी उसकी बातों में आ गए। पूरा का पूरा सर्किट खराब हो गया है, शोल्डरिंग करना पड़ेगा। ये बाबू कौन है यहाँ? मैं हूँ बाबू, कहिए क्या बात है? मैं अनुपमा का बाबा। सरकार साहब आइए ना। नमस्ते। सुनो बाबू, मेरी बेटी को अकेला छोड़ दो, पहले ही बहुत भुगत चुकी है वो। बाबा जो कुछ भी भुगती है सब भुलवा दूंगा, राज करेगी मेरे साथ। झूठ, झूठ का राज, झूठे आदमी की पत्नी का झूठा राज। बाबा लोगों को मेरे बारे में गलत फहमी है और कुछ नहीं। उसे दूर करने की कोशिश मत करो बाबू, बस तुम उसकी जिंदगी से निकल जाओ। ये नहीं हो सकता, हम दोनों एक दूसरे के साथ काफी दूर तक जा चुके हैं। क्या कहा तुमने? अनु से मैं प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, खुश रखूंगा उसे, बस यही तो कहा है मैंने। दोबारा उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो खैर नहीं तेरी। मैंने तुम्हें तुम्हारा फोन इसलिए नहीं लौटाया था ताकि तुम मेरे कॉल्स को रिसीव ना करो। बाबू प्लीज, तुम जाओ यहाँ से। मैकेनिक के बदले खुद को इंजीनियर कह दिया तो तुमने मेरा पता ही काट दिया। एक छोटा सा झूठी तो कहा था मैंने। नफरत है मुझे झूठ से, और झूठे इंसान से मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। खुद हरिश्चंद्र की पोती हो क्या तुम? मैंने कभी कोई झूठ नहीं बोला। बोला, मुझसे झूठ बोला, कहा कि प्यार करती हो ना मुझसे, शादी करोगी। वो झूठ नहीं था, लेकिन तुम्हारे झूठ ने मुझे एक नई सच्चाई दिखा दी है। सच्चाई तो मैंने देखी, इस्तेमाल किया तुमने मेरा। क्या मतलब? शादीशुदा थी ना, अकेले नींद नहीं आती थी, नींद की गोली बनाकर निगल गई मुझे। क्या बक रहे हो? तुम्हें सिर्फ अपनी सेक्स की भूख मिटानी थी मेरे साथ। छी, मैं जा रही, और कभी मेरा पीछा मत करना। रुको, सुनो, मैंने तुम्हारे बाबा को माफ कर दिया, अब तुम भी मेरे झूठ को माफ कर दो और चुपचाप से मेरी पत्नी बन जाओ। तुम मेरा पहला प्यार हो, तुम मेरे जिस्म के साथ ऐसे खेल के नहीं निकल सकती हो ना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम पे हंसूं या रोऊं। कितनी थर्ड ग्रेड सोच है तुम्हारी, और वैसे भी एक हाई स्कूल फेल से और क्या उम्मीद की जा सकती है। अनु, उस दिन से जो हरासमेंट शुरू की उसने, क्या करता था? दिन रात फोन पर फोन, अलग अलग नंबरों से, और फिर धमकियां देता था कि उनके बीच बेडरूम में जो कुछ हुआ इंटरनेट पर डाल देगा। अनुदी ने काफी कोशिशें की उससे दूर रहने की, उन्होंने सिम बदला, पर वो पता कर लेता और धमकी देता था कि उसके पास अनुदी का एक MMS है। वो MMS वाली बात मैंने दबा कर रखनी चाहिए थी, इसलिए आपको नहीं बताया था। हमेशा कह के अनुपमा के खून के पीछे ये बाबू ही है। अनुपमा ने अपनी जिंदगी की सारी डिटेल्स इस बाबू को बता दी थी। अनुपमा पूरी तरह से उसके मुट्ठी में थी, और बाबू ने उसी मुट्ठी को कुचल दिया। सर, वो नंबर ट्रैक डाउन हो गया, बाबू और उसका दोस्त इन बाजार में। चलो ठीक है, बस चुप हो जाओ। प्यार, मोहब्बत, गुस्सा, नफरत अपनी जगह, पर इस तरह किसी को बम से उड़ा देना, क्या चल रहा था तुम्हारे दिमाग में? मेरे दिमाग में उसका थप्पड़ मारना गूंज रहा था साहब, हाई स्कूल फेल बोलना गूंज रहा था, जलील करके रख दिया था बाप बेटी ने मुझे, कहीं का नहीं छोड़ा था, मेरी मर्दानगी को कुचल दिया था उसने साहब। ये काम करेगा ना? अरे बाबा, अब तक तो हर बार काम कर गया है। एक बार टेस्टिंग कर ले।
अभी किताब खुलते ही बूम। अभी खींच। खूब बोलो, बहुत मस्त चीज है यार। उन्होंने मुझसे कहा था कि अमित ने कसम खाई है उससे बदला लेने की, लेकिन बदला लूंगा मैं, पर भुगतेगा वो साला अमित। पर एक ही टेंशन है, ये किताब तेरी अनुपमा अपने घर में अकेले में ही खोले, नहीं तो दूसरे लोग मुफ्त में बकरा बन जाएंगे। मासूम लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाला, कई मासूम मारे जाते थे जिनका तुमसे कोई लेना देना नहीं था। कोई मासूम मरा तो नहीं ना साहब? कोई मासूम मरा नहीं, लेके जाओ चलो को। चलो 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 अमित। बॉम्ब वाला पार्सल अनुपमा तक पहुंचने के पहले कई हाथों से गुजरा था। किसी के हाथ से गलती से भी किताब खुलती तो न जाने कितनी जाने जाती। पर बॉम्ब अपने सही निशाने पर फूटा अनुपमा के हाथों में। दुर्भाग्यवश अनुपमा से सच्चे प्यार ने हमेशा आंख में चोली खेली, उसके दिल की धड़कन का मजाक उड़ाया, उसके दोनों रिलेशनशिप्स विस्फोटक रहे, उन्होंने उसे जीते जी मार डाला। और फिर अगर कुरियर कंपनी में मेटल डिटेक्टर या बॉम्ब स्कैन मशीन होती तो अनुपमा शायद इस वक्त जिंदा होती। इस केस के बाद पुलिस फोर्स हर कुरियर कंपनी पर यह जोर डाल रही है कि वो अपने ऑफिस में बॉम्ब डिटेक्शन मशीन फिट करवाएं। ये केस आतंकवाद का भले ना हो, लेकिन आतंक के सौदागरों के तरीकों के बारे में दस्तक जरूर देता है। हमें इन कायरों के हर नए पैतरे का मुंह तोड़ जवाब देना होगा। डर के जीने का तो सवाल ही नहीं उठता, सवाल ये है कि हम कितने चौकन्ने हो सकते हैं और कैसे अपने आप को सुरक्षित बना सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। शुभ रात्रि, जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।